Dr. Kirsty Chawda. Oh, now, one sec. Sami, his trainer told me that the tablets were procured by Rhea. Yeah. Right? That's the fact, right? So Rhea got the tablets and gave it to you to give him. Okay, okay. Go on. We have a prescription. No. Answer my question, Siddharth. Keep focused on the question. Look at every word of the question. हर एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मैं सवाल आपका अगला ये पूछ रहा हूँ कि उसके ट्रेनर, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चैनल्स पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके ट्रेनर ने स्टिंग ऑपरेशन में हमें कहा कि रिया ये सारी दवाइयाँ लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयाँ मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयाँ लाती थी. आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उसको देते थे. जी रिया लाती होगी सर, क्योंकि होगी क्या जब लाती होगी का मतलब क्या है? बात होती थी रिया वाज आप, there, आप नहीं नहीं एक मिनट रुके. व्हाट डू मीन लाती होगी? व्हाट हैपेंड? व्हाई डिड शी लीव? आई डोंट नो. They had a personal conversation. We were downstairs, they were upstairs, so there are no means that we can know the what conversation. So what was happening? What was the circumstances? What happened before that when she? जाते जाते टीवी भी बंद कर देना. वही डिप्रेसिंग न्यूज़ सुन सुन के कान पक गए मेरे. Circumstances were quite normal actually. Like only thing is they were spending a lot of time having. I feel so sad for Sushant. समझ में नहीं आता लोगों को हो क्या गया है. कोई किसी को इतना परेशान कैसे कर सकता है कि वो अपनी जान ही ले ले. मालकिन हमें तो लगता है सारी गलती उस लड़की की है. एक नंबर की चालू निकली, प्यार के नाम पे धोखा दे दिया लड़के को. तुझे बड़ी जानकारी है लड़की की. अरे नहीं मालिक, हम तो बस वही बता रहे हैं जो आजकल दिन भर अखबार और टीवी पे चलता रहता है. और तुझे कैसे पता कि अखबार और टीवी वाले सच बोल रहे हैं? अब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने सारे अखबार वाले हैं, सबके सब एक तरह का न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी ना. सही कहा मालकिन, अब सारे मीडिया वाले झूठ थोड़े ना दिखाएंगे. हाँ, तभी तो हर रोज़ एक बात बोल के अगले दिन कुछ और बोल देते हैं. कभी कहते हैं लड़की की लाश कपड़ों के बिना थी, कभी कहते नहीं लड़की ने कपड़े पहने हुए थे, कभी कहते हैं लड़की ने लास्ट कॉल मरने से पहले सुशांत को किया था, अगले दिन बोलते नहीं लड़की ने लास्ट कॉल किसी अपने दोस्त को किया था. कोई 50 करोड़ की बात करता है, अगले दिन 50 से 15 करोड़ पे आ जाते हैं, फिर वो 4.25 करोड़ रह जाता है. ऊपर से कुकुरमुत्ते की तरह हर रोज़ सुशांत का कोई नया दोस्त निकल आता है जो उसे बेहद करीब से जानता है. दोस्त हो या वेल विशर, सब अपनी अपनी कहानी कहकर निकल जाते हैं. अगर पिछले एक महीने की न्यूज़ कोई एक साथ देखने बैठ जाए तो खिचड़ी के अलावा कुछ और समझ नहीं आएगा. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन टीआरपी के चक्कर में सच भी नहीं बोल रहे, ये तो ये लगता है. तुम्हें क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है सुशांत और उसके मैनेजर के सुसाइड के पीछे कोई बड़ी साजिश है. हाँ, और आजकल तो किसी पेंगुइन फेंगुइन के बारे में भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस सब बवाल के पीछे उस पेंगुइन का बहुत बड़ा हाथ है. हमें तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी वाली गड़बड़ हो रही है. वैसे साहब, ये पेंगुइन होता क्या है? तो पेंगुइन फेंगुइन छोड़, जाके गीजर ऑन करके आ, जब देखो इसी भी प्रतिबंध बना रहे. जी साहब. तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसने क्या किया है? मैं किसी पर गुस्सा नहीं हो रहा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि घर के बाहर क्या चल रहा है इस बात का तो तुम लोगों को पता है, लेकिन इस घर के अंदर क्या हो रहा है इस बात से तुम लोग को कोई मतलब नहीं है. क्यों, ऐसा क्या हो रहा है इस घर में जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कल फिर से तुम्हारा बेटा 2 बजे घर में घुसा है, वो भी नशे की हालत में. उससे पूछो तो कहता है मेरी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जीऊँ. जब से वो जवान हुआ है हम तो जैसे उसके दुश्मन हो गए, एक बात नहीं सुनता हमारी. अरे लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई है, अगर थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ घूम फिर लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? बढ़िया है, नहीं टूटा है तो टूट जाएगा एक दिन. तुम सारे दिन अपने थिएटर के काम से बाहर घूमती रहती हो, मैं अपने बिजनेस में बिजी रहता हूँ और वो अपने दोस्तों में, और ये हमारा नौकर सारे दिन टीवी के सामने बैठा क्राइम पेट्रोल देखता रहता है. कितनी बढ़िया ज़िंदगी है ना? इसके लिए मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हर घर में यही होता है. और तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो. हफ्तों हफ्तों तक बात नहीं होती हमारी, मजबूरी में बिस्तर शेयर कर रहे हैं वही बड़ी बात है.
27 साल से हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं हम, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। क्या बात करूं तुमसे, तुम हो कोई बात करने के लायक? इतने सालों से तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। बिस्तर शेयर करना तो दूर की बात, तुम्हारी वजह से घर में घुसने तक का मन नहीं करता मेरा। ज्यादा उड़ो मत, तुमसे शादी करके जो गलती की है ना, जल्दी ही उसे सुधारने जा रही हूँ मैं। उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, ना मेरी बातें सुननी पड़ेगी, समझे? मैं तो डिवोर्स का फाइनल होने का वेट कर रहा हूँ। कोर्ट से निकलते ही 30 सेकंड भी तुम्हारे सामने अगर खड़ा रहा तो मेरा नाम बदल देना। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देख कर उठा जिसके साथ चाय पीने बैठ गया। जिंदगी को नरक बना के रख दिया है साला। साहब, अभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सुशांत सिंह के केस में मीडिया में एक नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आप बुरा ना माने तो टीवी ऑन कर लें।